हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी आपका जो एग्जाम है, अभी जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा वीडियो जरूर देखें पूरा, और इसमें मैं अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है वो बात आपको इम्पोर्टेंट रूप है जो आपको ध्यान से सुननी है। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि अभी का जो माहौल बना हुआ है जिसमें आप घर पे बैठे हैं, और घर पे बैठे हैं तो एक कहीं कोने में आपको कहीं ऐसा लग रहा है, वैसे पूरे दिन आप फ्री हो लेकिन घर वाले आपको लगातार बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी आपके कुछ पेपर्स बाकी हैं, अभी जो बोर्ड के एग्जाम जो होने वाले हैं ये अभी आगे की संभावना है। अब क्या है कि जो एग्जाम होगी वो लगभग मान लो कि होगी तो सही, अभी कई स्टूडेंट कयास लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम थे या जो आपके जो पहले के जो एग्जाम हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिए जाए। देखो, ऐसा पॉसिबल होने का चांसेस बहुत कम है, ऐसा होगा नहीं। चांसेस कम क्या, देखो ऐसा बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कि जो सेशन है वो आपका आगे जा सकता है, कि जो एग्जाम जो होनी थी आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकता है। जुलाई में जो स्कूल वगैरह स्टार्ट होते थे वो अगस्त में स्टार्ट हो जाए, और बाकी जो गर्मियों की छुट्टियां आती थी वो नहीं आए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों में कुछ सिलेबस को कवर करने के लिए जो टाइम का जो अभी खराब हुआ है उस समय को यूटिलाइज किया जाए। तो अभी जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि आप अभी जो घर पे बैठे हैं, ठीक है, आप कितना देर टीवी देख सकते हैं, कितना आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कितना मोबाइल चला सकते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डेली रेगुलर एक कोरोना के बारे में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन चीजों पर ध्यान नहीं दें, टीवी नहीं देखें, मूवीज देखें, अपना मनोरंजन करें, लेकिन जो जरूरी चीज ये है कि आप अपनी पढ़ाई को रोज, अभी जितने भी जो आपके पेपर बने हैं उनको डेली कम से कम 2 घंटे आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप उन पेपर्स को या क्वेश्चन पेपर को या आपके जो बाकी रह गए हैं उनको अगर आपने 2 घंटे रेगुलर नहीं दिया तो स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आप कहीं भूल नहीं जाए। आपने वो एक छोटी कहानी सुनी होगी कि गांव में जब अकाल पड़ा तो भगवान एक बार प्रकट हुए तो देखा कि एक इंसान जो था वो जो किसान था वो लगातार बंजर जमीन में, जो सूखी जमीन थी, बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हल चला रहा था। और जब हल चलाने के बाद जब भगवान ने जाके उससे पूछा कि जब बरसात ही नहीं हो रही है तो फिर तुम हल क्यों चला रहे हो, तो किसान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कहीं मैं भूल नहीं जाऊं हल चलाना, तुम कभी तो बरसात आएगी, तो बरसात तो आनी निश्चित है, कभी तो आएगी, और जब आएगी तो कहीं मैं हल चलाना भूल नहीं जाऊं। तो इसमें मेरी बात समझ गए होंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर आप इस कॉन्फिडेंस में बैठे हो कि एग्जाम पता नहीं कब होगी या नहीं होगी, तो इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने एग्जाम पे ध्यान नहीं दिया तो पॉसिबल है कि कहीं आपकी एग्जाम हो और उस समय तक जब आपका पेन उठाया जाए आपसे तो आप लगभग पूरा भूल चुके होंगे, क्योंकि 1.5-2 महीने में काफी कुछ भूल जाते हैं। रही बात इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपको स्कूल में क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो हाथों हाथ जो पढ़ाई जाती है वो चीज जब आप भूल जाते हो, जबकि रेगुलर बोला जाता है, जब आप टेस्ट पेपर देके आते हो या जो अर्धवार्षिक पेपर जब देके आते हो जब आप उसको भूल जाते हो, अगर आपने बीच में ये 1-1.5 महीने का समय जो है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, घर पे बैठे हो, बाहर घूमना अलाउ है नहीं, टीवी कितना देखोगे ये पॉसिबल नहीं है, घर वाले लगातार बोल रहे हैं, तो भी मौका है, आप अपने घर वालों को भी दिखाइए और रेगुलर जितने पेपर आपके बने कम से कम 2 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देना जरूरी है। आप नोट करें, उनको लिखना स्टार्ट कर दें, आपकी कॉपी में क्वेश्चन लिखे हुए टारगेट बना के उठे कि आज दिन में कम से कम मुझे ये 4 पेज 5 पेज 6 पेज जो भी है ये मुझे लिखने हैं। अगर डेली अगर आप 10 क्वेश्चन लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में आपका पेन भारी नहीं हो जाए, आपसे पेन उठेगा नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो जब आप एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठोगे तो आपसे पेन नहीं उठेगा, इतना भारी हो जाएगा और आप भूलोगे और तब आपको केवल पछतावा होगा। तो जो स्टूडेंट्स मुझे कैसी भी किसी भी तरीके से आप मुझे जो सुन रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी बात को जरूर ध्यान से सुने कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे एग्जाम हॉल में आपको रियल में पछतावा होगा कि अरे हमने जो इम्पोर्टेंट टाइम था 1.5 महीने का 2 महीने का जो टाइम मिल रहा था उसको हमने वेस्टेज कर दिया। तो स्टूडेंट ये तो देखो आपको एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी। अब जो है अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपना जो बुक से रिलेटेड है उस पर मैं आता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वीडियो की जो मैं बना रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इससे पहले जो मैंने 15 नंबर का चैप्टर के थे पूरी वीडियो बना ली है और काफी जो वीडियो थे वो मैंने पहले बनाए थे। अब मैं कर रहा हूं, अभी जो मैंने जो प्लान किया है कि हर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना।
तो अभी जो इम्पोर्टेंट जो मिल रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक नंबर का या दो नंबर का, तीन नंबर के क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसमें से, ओनली वन नंबर या टू नंबर, एक या दो नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है जो चार नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं सोर्टिंग में से, जैसे जिसमें प्रोग्राम आते हैं तो चार चार नंबर के वो आते हैं, इस चैप्टर में से आपके एक नंबर या दो नंबर का लेकिन आएगा निश्चित रूप से। तो कैसे उसके बारे में बात करें, क्योंकि इसके बारे में जो डेटा स्ट्रक्चर का जो थ्योरी पार्ट था वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे जो मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको अगर आप देखोगे तो वहां पर आप उस चीज को चेक कर सकते हो। तो मैं अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बुक के पीछे जो दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसको एक बार ध्यान से देखें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप बुक देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अगर हिंदी अर्थ लगा के देखें तो हमको समझ में आता है संरचना। तो संरचना क्या, जैसे किसी मकान का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी कुछ चीजें होती है, तो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ऐसे तो रोड़ी बजरी ईंट वगैरह वगैरह काफी कुछ फैला हुआ हो सकता है, लेकिन उनको हम मकान तो नहीं कहेंगे। और जब उनको व्यवस्था कर दी जाए, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाए कि ईंटों के बीच में सीमेंट लगाई जाए और लोहे के जो सरिये लगाए गए उनके बीच में सीमेंट भरी जाए, तब जाके एक बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से जो किया जाता है तब जाके हम उसको मकान कहते हैं। तो जरूरी चीज यह है कि जिस तरह से मकान बनाने के लिए एक संरचना की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे चारों तरफ जितना भी जो डेटा है उसका संग्रह करना और उसको व्यवस्थित करना आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि डेटा को व्यवस्थित प्रकार से अरेंज करते हुए, व्यवस्थित करते हुए संग्रह करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, यह आप देख सकते हैं, तो आपकी बुक में दिया हुआ है और इसको देखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो बुक में खिलाड़ी का एक क्रिकेट का एग्जांपल दिया हुआ है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो केवल इतनी परिभाषा भी अगर आप लिखते हो तो काफी है। तो अगला क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम कुशलता के मुख्य उपाय क्या है। पहले बात तो हम बात करेंगे एल्गोरिथम होती क्या है। ये देखो आपके जो पेज नंबर दो पे दिया हुआ है कि एल्गोरिथम तर्क या निर्देशों का एक ऐसा निश्चित समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को हल करने के लिए बनाया जाता है। तो तर्क या निर्देशों का एक समूह होता है जो कि डेटा को व्यवस्थित करने के, सॉरी, जो भी डेटा को किसी विशेष कार्य को हल करने के लिए किया जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और ये जो निर्धारित होते हैं पूर्व कार्य, तो उसके दो मुख्य उपाय, तो ये तो एल्गोरिथम की परिभाषा हो गई। और इसके दो उपाय कि स्पेस और समय जटिलता का ध्यान रखा जाए। अब होता क्या है स्पेस और समय जटिलता, देखो कोई भी जो कार्य करे तो उसके लिए कंप्यूटर में दो महत्वपूर्ण बातें, कौन कौन सी, उपाय क्या है कि एक तो है स्पेस की समय, सॉरी, एक तो है स्पेस की मेमोरी कम से कम लगे। तो जितनी कम मेमोरी लगेगी वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो पहले तो ये जांच करना कि कम से कम स्पेस का यूज हो, कम से कम स्पेस का यूज हो। तो आप जो पेज नंबर जो तीन है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो आवश्यक मेमोरी जो लग रही है वो कम से कम लगे। और इसमें दो दो छोटी डेफिनेशन भी है कि एक तो इंस्ट्रक्शन स्पेस, परिभाषा ध्यान से सुने, जो एक तो इंस्ट्रक्शन स्पेस है जिसमें होता है कि देखो मेमोरी निश्चित होती नहीं है, स्थायी होती नहीं है, तो कितना मेमोरी आपकी लगनी है किसी कार्य को हल करने में, तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है वो। दूसरा होता है समय जटिलता, कम से कम समय लगे, जितना कम समय लगेगा किसी भी कार्य को करने में, जितना कम समय लगता है वो उतना ही कुशल माना जाता है, अगर समय ज्यादा लगेगा तो खराब माना जाएगा। तो इसके तीन केस हैं, रोस्ट केस जिसमें सबसे अधिक समय लगे, एवरेज केस जिसमें औसत समय लगे, और एक बेस्ट केस जिसमें सबसे कम समय लगे। तो ये इसके तीन केस होते हैं। तो हमारा हो गया एल्गोरिथम कुशलता के दो मुख्य उपाय, स्पेस और समय जटिलता का ध्यान रखा जाए, कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखा जाए। और इसको बताने के लिए, सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए मैम जो चिन्ह होता है वो होता है बिग ओ, मैं लिख देता हूं यहां पे बिग यानी बड़ा और बड़ा ओ इसका साइन होता है, चिन्ह होता है। उसके बारे में आता है रेखीय डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेखीय लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके तीन पार्ट है जिनके बारे में अलग अलग चैप्टर भी दिया हुआ है, याद होगा। तो एग्जाम में अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो केवल आप नाम लिख सकते हैं कि स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट होता है, लेकिन अगर दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका
आपको इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन भी लिखनी जरूरी होगी। जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं कि लीनियर स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट। स्टैक जिसमें आपको याद होगा आप कुछ भी नहीं तो स्टैक में लिख सकते हैं कि जिसको डेटा को अरेंज किया जाता है, और जिसमें आपके पुश और पॉप आपको याद होगा तो उसके बारे में आप एक लाइन। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं प्लान नहीं कर रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं बताना है मुझे, केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। क्यू बिल्कुल स्टैक और क्यू आपस में मिले हुए हैं, वो स्टैक में जैसा सिस्टम होता है कि मेमोरी डेटा तत्वों को आपस में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जिसमें पुश और पॉप, इसमें एन क्यू और डी क्यू, छोटी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और एक लिंक लिस्ट जिसमें एक डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से जुड़ा होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं उसमें बताया है, और जो स्टूडेंट मेरे को स्कूल में या क्लास में जो मेरे को सुनते हैं उनको भी बताया कि जिस तरह से हम गेम खेलते समय आपस में, ये एक याद करने का तरीका है कि जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं बीच में कोई एक आता है नया जुड़ जाता है, बीच में से एक चला जाता है तो हट जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो गेम दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि हम खेलते हैं बीच में कोई आता है तो नया हाथ पकड़ लेता है, वो चीज आपको याद रखनी है। और चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। यौगिक मतलब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जरूर पढ़ना है, ये जरूरी है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो लीनियर में तो स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट आ गया आपके, और एक है नॉन लीनियर जो कि लाइन से नहीं है, जो कि लाइन से नहीं है, जो लाइन से है वो तो ये हो गया जिसको हम रेखीय कहते हैं, और ये होता है गैर रेखीय। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन पता है क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि गैर रेखीय पूछा गया तब आप क्या जवाब लिखेंगे, तो एक तो आपको रेखीय का आंसर करना है और एक आपको गैर रेखीय का आंसर भी करना है। तो यहाँ पे अगर नॉन लीनियर पूछा जाए तो गैर रेखीय जो डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे इस तरह से, क्योंकि इसमें लाइन तो है नहीं, जैसे जो ट्री और ग्राफ होता है इसमें लगातार बनते हुए चले जाते हैं, किसी जगह एक भी हो सकता है, किसी जगह हो भी सकता है, कहीं जगह नहीं भी हो सकता। तो जैसे ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ में क्या होता है कि डेटा एक लाइन से होना जरूरी नहीं होता, जबकि लीनियर में डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल कंटिन्यू होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन जो मैंने इसमें से निकाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताया था। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फुल एक्सप्लेनेशन है, वो मेरा एक पुराना वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, उसमें आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के एक बार आप जरूर इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखें और उसके आंसर भले बुक में से ही लिखें, लिखना तैयार करें, मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को देखें और उनमें जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनका एक बार आंसर ढूंढने का प्रयास करें। जो भी मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्कूल में जो जिनको मैं पढ़ाता हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए अभी ये वर्क मिल रहा है। ये आपके पास अच्छा कलेक्शन है और उन स्टूडेंट से मैंने एक बार प्रॉमिस किया था स्कूल में रहते हुए, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब आपके बीच में जो टाइम मिलेगा, जो एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलेगा 10 दिन का, किसी को 8 दिन का, 15 दिन का, उसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स की क्लास लूंगा 10 दिन की। लेकिन जैसा माहौल बना हुआ है ना वैसा क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल भी किया कि सर आपने बोला था कि आप क्लास लेंगे स्कूल में आके, या सारे स्टूडेंट्स को एक जगह बुला के आप हमारी 1 घंटे 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, या फिर मैंने ऑप्शन भी दिया था कि हो सकता है मैं मेरे इंस्टीट्यूट में बुला के क्लास लूं, लेकिन देखो जैसा माहौल बना हुआ है ना तो आप आ सकते हैं घर से ना मैं कहीं जा सकता हूं, तो कुल मिला के जब हम घर में बैठे हैं तो एक बहुत अच्छा हमारे पास टाइम को यूटिलाइज करने का एक तरीका है कि हम बिल्कुल घर बैठे पढ़ाई करें और कम से कम पढ़ाई रेगुलर करें। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात है, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, आपके पास मौका है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, कॉपी कैसी चेक होगी, कई लोगों के बेमतलब के दिमाग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम होगी, बोर्ड के एग्जाम है, बिना बोर्ड के एग्जाम में तो एग्जाम होना जरूरी है। हाँ वैसे एग्जाम थी स्कूल वाली तो आप चल जाता, तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको मैं एक बार जरूर बता रहा हूं कि बिल्कुल रेगुलर स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स अगला जो वीडियो है वो मैं सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं यहां पर लिखूंगा, और उसके बाद में जो शॉर्ट में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जिसको मुझे लगेगा कि इनको एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अभी घर पे रहें, बाहर नहीं निकले। मोदी जी ने जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया है उनमें वो ऐसा नहीं है कि देखो प्रधानमंत्री ऐसा हम चाहें कि भाई हम बाहर निकल जाएं तो पुलिस भी कितना कर लेगी, लेकिन देखो ये हमारे बचाव के लिए है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी इंपॉर्टेंट बात जो मैं जरूर बताऊंगा आपको, कि उन्होंने कहा था कि मैं आपके परिवार के सदस्य होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं, न कि प्रधानमंत्री होने के नाते। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर हम ये 21 दिन अगर घर में नहीं रुकते हैं तो हमारा देश 21 दिन पीछे चला जाएगा, हमारा परिवार 21 दिन पीछे चला जाएगा। तो बहुत क्रूशियल टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज करें, मोबाइल देखना, टीवी देखना सब देखें, ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है।
तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ाई रेगुलर करें वो जरूर आपको करनी है। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा भाग बोला है, तो ऐसा नहीं सोचे कि क्या मैं लेक्चर मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी जो चीज है वो करना जरूरी है। तो हमारा जो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी जो आपको कुछ जो प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ाई के बीच में, अभी आप घर पे हैं तो जो भी हो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।